14 अगस्त 2010 को चीन में कुछ ऐसा हुआ जिसका तस्वीर भी नहीं किया जा सकता था। बीजिंग ने तारीख का सबसे तवील ट्रैफिक जैम देखा, जो 100 किलोमीटर से ज्यादा तवील और 12 दिन तक जारी रहा। तब चीन को ट्रैफिक जैम की गैर मुतनाज़ा मलका कहा जाता था। दुनिया का सबसे तवील ट्रैफिक जैम चाइना नेशनल हाईवे 110 में हौबे और अंदरूनी मंगोलिया के दरमियान था। ट्रैफिक जैम से हजारों गाड़ियों की रफ्तार सुस्त हो गई और गाड़ियों में मौजूद ड्राइवर्स कई दिनों तक गाड़ियों के अंदर भूखे प्यासे रहे, जबकि दुकानदार इंस्टेंट नूडल्स अपनी मामूल की कीमत से 4 गुना और पानी 10 गुना ज्यादा कीमत पर बेचने लगे। ये बंदिश कुदरती आफत की वजह से नहीं थी। ये ट्रैफिक जैम गाड़ियों की सुस्त रफ्तारी और खास तौर पर बीजिंग में तामीराती सामान ले जाने वाले भारी ट्रकों की वजह से हुई। इस ट्रैफिक जैम को आज भी दुनिया का सबसे तवील ट्रैफिक जैम माना जाता है।